ये सर अच्छा नहीं लगता है, सब लोग देख रहे हैं, नेशनल टीवी पे लाइव जा रहा है। अब बस शांत रहिए, हम सब चले जाते हैं, आप ही कर लीजिए, हम जाएं चलिए उतारिए, आप ही कर लीजिए। आप फिर अनुराग ऐसे कर रहे हैं, बस करिए ना अनुराग। गौरव अब आप बोलिए, फिर शहजाद आ रहा हूं। धन्यवाद। देखिए अमन जी, यहाँ पे जो हो रहा है अद्भुत है, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत है। और मैंने जैसा कहा, जो पार्टी कहती थी कार सेवकों पे हम और गोली चला देंगे, आज वो भगवत गीता के अध्याय पूछ रही है और श्लोक गा रही है। और इनकी तालिबानी सोच जो है वो इससे सामने आती है कि इनके सांसद शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी है तालिबानी। क्या अखिलेश यादव के मुंह में दही जमी थी कि उन्होंने एक शब्द नहीं बोला? और आप बताइए, सरदार पटेल से तुलना कर देना जिन्ना की। मैं यहाँ पे मसूद भाई बैठे, उनसे भी एक बात कहूंगा कि क्यों नहीं सोनिया गांधी ने आपत्ति दर्ज करी कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू से तुलना होती है जिन्ना की, और प्रियंका वाड्रा गांधी चुप रहती है। और इमरान मसूद जी, आपके लिए अर्ज किया है, शक न कर मेरी इन खुश आंखों पर, यूं भी आंसू बहाए जाते हैं। और अमन जी आपको मालूम है मैं ये क्यों कह रहा हूं, इमरान मसूद जी के दो स्टेटमेंट है। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले कहा था, प्रियंका वाड्रा गांधी घूम तो बहुत रही हैं लेकिन उनके साथ वोट जुड़ नहीं रहा, सपा से कुछ करना चाहिए, सपा मुख्य जो है विपक्षी दल है। अब आप बताइए, पार्टी के उपाध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, अपनी पार्टी पे ही इन्हें भरोसा नहीं है। और इतना जरूर कहूंगा, जब आप बोटी बोटी कर दूंगा कहते हैं या नफरत की बात करते हैं तो ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। और इमरान मसूद जी, आप बहुत बड़े नेता हैं, मेरी नजरों में आप प्रियंका वाड्रा से बड़े नेता हैं, क्योंकि प्रियंका वाड्रा में इतनी हिम्मत नहीं कि चुनाव लड़ ले, और अगर लड़ेंगी तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी उत्तर प्रदेश से। शहजाद अब आप बोलिए, फिर इमरान भाई आप जवाब दीजिएगा। शहजाद पूनावाला, सबको सुना आपने, अब आप बोलिए। पहले तो अमन जी, आपने दिवाली के मौके पर हम सभी लोगों को आमंत्रित किया। दिवाली पर्व किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि श्री राम का फिर से श्री अयोध्या में आगमन होता है, और आज पहली बार अयोध्या हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, प्रयागराज हो जहाँ पर भव्य कुंभ मेला आयोजित किया गया, मथुरा हो, या ऐसे कई सारे पावन स्थल है उत्तर प्रदेश में, वो सूने सूने नहीं है। इनको 70 वर्षों तक सूना रखा गया। क्या आपने देखा था किस तरीके से अयोध्या को अलहदा रखा था और राम मंदिर के मामले को 70 साल तक लटका के अटका के भटका के रखा था? जो आज पूछ रहे हैं गीता में कितने अध्याय हैं, जो आज कह रहे हैं कि हमसे बड़ा राम भक्त नहीं है, वो लोग राम मंदिर को लटकाने अटकाने भटकाने के लिए श्री राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठा रहे थे। बहरहाल उनके पास तो बाद में आएंगे, पर मैं दो तीन सवाल पूछना चाहता हूँ। श्री राम का आगमन भी होगा और इस बार योगी साहब का भी फिर से एक बार आगमन होगा लखनऊ में, और ये इसलिए होगा क्योंकि राम के साथ राम राज्य जुड़ा जाता है। पर राम राज्य क्या है? राम राज्य वो होता है जब एक प्रदेश में जितनी आबादी होने के बावजूद भी 13 करोड़, सबसे ज्यादा टीके कोविड काल में कहां लगे हैं? उत्तर प्रदेश में लगे हैं। एक समय पर केवल 7 लाख मेट्रिक टन खरीद होती थी एक सेकंड गेहूं की, आज 56 लाख मेट्रिक टन होती है। आपके समय में कितना गन्ना का भुगतान हुआ? आज 1,50,000 करोड़ का भुगतान हुआ है गन्ना किसानों को। आज पहली बार आपने देखा है 36,000 करोड़ की लोन माफी की गई है। आपने पहली बार देखा है कि आज माफिया जो है, अतीक अहमद और अंसारी के कई सारे यहाँ पर फैन बॉयज बैठे हैं, परंतु आज एक ऐसा माहौल है कि हाथ ऊपर कर करके माफिया डॉन जो है वो सरेंडर कर रहे हैं। 44,000 से ज्यादा लोगों को गैंगस्टर एक्ट में बुक किया गया है, 150 को जहां पहुंचना था वहां पर पहुंचा दिया गया है, और आज एक लॉ एंड ऑर्डर का एक माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हैं, कई लोग तो कहते थे चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगेगा हाथी पर, ये आप ही के पुराने साथी कहते थे। देखिए बीच में बार बार अमन जी कोई बोल रहा है, आपकी बारी थी, आप शहजाद वेट कर रहे थे ना, आप हरे के बीच में कूद पड़ते हैं, बातों को सुना, ऐसे डिबेट नहीं होती, ये सरासर अन्याय है। अगर आप ऐसा अन्याय चाहते हैं तो मैं डिबेट से माफी चाहता हूं, मैं उठ जाऊंगा, मैं इमरान मसूद के पास जाऊंगा, ऑडियो बंद है यहां पे स्टूडियो का। शहजाद आप बोलिए, इमरान मसूद आ रहा हूं। अमन जी मेरे केवल दो ही सवाल है। जो यहाँ पर हरा कुर्ता पहनकर शायद बैठे होंगे और वो अपने चीख चीख कर गीता के अध्याय पूछ रहे हैं, उनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूँ। हमारे यादव समुदाय के सबसे बड़े इष्ट, हमारे सबके इष्ट, हमारे कृष्ण भगवान की सबसे पावन जो एक जगह है काशी मथुरा में, तो मैं चाहता हूं कि अब बता दे कि वहां पर एक ज्ञानवापी मस्जिद
औरंगजेब ने, आक्रांता ने वहां की मंदिर को एक तरीके से वहां पर अतिक्रमण करके बनाई थी, उसके ऊपर ये अपना स्टैंड बना दे कि क्या वो चाहते हैं कि वहां पर भव्य कृष्ण मंदिर बने और ये मस्जिद जो अतिक्रमण हुआ है वो हट जाए। पहला हिंदू होने का दावा कर रहे हैं, एक सेकंड। और दूसरी, हाँ, और इमरान मसूद से मेरा सवाल है कि इन्होंने कहा कि मैं जिन्ना को नकारता हूँ, बहुत अच्छी बात है जिन्ना के लिए, हालांकि उन्होंने साहब का शब्द इस्तेमाल किया, पर ये जिन्ना को नकारते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आज इमरान मसूद एक बतौर कांग्रेस के बड़े नेता होने के नाते ये आग्रह और आह्वान करेंगे कि किसी भी हालत में जिन्नावादी समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी या ये कभी भी कोई संबंध नहीं रखेंगे? ये दोनों सवालों का जवाब आप ले लीजिए। इमरान मसूद, ये मैंने भी पूछा था कि अखिलेश यादव ने गलत कहा ना, फिर अगर आप कहें तो मैं बाइट सुना सकता हूं उनका बयान। इमरान मसूद आप बोलिए, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की बात कर रहे हैं। मैं जी, आप मैं तो बोलिए। हेलो इमरान मसूद, आवाज आ रही है आपको मेरी? मेरे ख्याल से फोन डिस्कनेक्ट हो गया, वापस सुन के पास जाएंगे। लेकिन शहजाद ने जो बात बोली, अनुराग बदवेल, अब आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद गौरव में आपके पास आऊंगा। सवाल ये है, ये कह रहे थे कुंभ का मेला, सबसे बड़ा कुंभ का मेला समाजवादी सरकार में हुआ था, जिसको इन्होंने अर्ध कुंभ की बात कर रहे हैं। मैं तो कहा कुंभ का मेला समाजवादी सरकार में हुआ और लोगों ने तारीफ की, आज भी साधु संत उसकी तारीफ कर रहे हैं। और जहां तक मथुरा की बात कर रहे हैं, मथुरा में भव्य हमेशा, मथुरा में वहां पे हमेशा, मथुरा में कब यहाँ पूजा पाठ नहीं हुआ? लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही थी कि बीजेपी ने उसको वादे दिए थे हम आएंगे तो बनारस को टोकियो बना देंगे, क्या टोकियो बन गया? मैं पूछना चाहता हूं, क्या फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी का आपने सपना दिया था, क्या हो गया? आपने गड्ढा मुक्त सड़क करने की बात की थी तो क्या हो गया? एक सवाल मैं पूछ लूं आपसे, आप इजाजत दे तो मैं पूछ लूं। आपने गीता के श्लोक पूछे ना अनुराग, एक मिनट आराम से, एक सवाल पूछ लूं? पूछ लीजिए। आपने गीता के श्लोक पूछे, गीता सुनाने वाले, ठीक है ना? आप एक मिनट अनुराग, अब क्योंकि आप यहाँ पर इच्छाधारी और चुनावी हिंदू और रामद्रोही अब राम भक्त, आप कालनेमी राक्षस के बारे में जानते हैं? क्या किरदार था, क्या था कालनेमी राक्षस? अच्छा, मैं अपनी बात कह लूं? आप पूछ रहा हूं एक एक करके, कालनेमी राक्षस के बारे में जानते हैं? अपनी बात कहने दो, आप मुझे भटकाओ। मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा, नहीं नहीं, मुझे पहले योगी जी की बात पूरी करो। कालनेमी राक्षस जानते हैं क्या क्या था? उसने भी रूप बदला था बजरंगी को फंसाने के लिए। अब आप भी रूप बदल रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग हमेशा जानते हैं ना कालनेमी राक्षस कौन था। मैं तो आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ, किताब दे दो तो पढ़ के सुना दे, तो जो कहो कालनेमी राक्षस पता। मेरी बात नहीं समझे, मैं तो इनसे कहता हूँ भगवान को रिलेट कर पाते हैं आप अपने आप पर? राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले जय श्री राम कह रहे हैं, ये बहरूपी है, ये कालनेमी राक्षस की ट्रेड्स हैं। अब मेरी बात पूरी कर लो, ये भगवान को अपने आस्था को राजनीतिक हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। हम हमारे लिए प्रभु राम आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। इनसे पूछो कि प्रभु राम के अलावा प्रभु राम के बच्चों की बात कभी करते हैं? कई बच्चों के बारे में सोचते हैं? महंगाई से आत्महत्या कर रहे हैं, सूता का आवाज पहुंच रही है। इमरान मसूद जी, जो शहजाद ने पूछा, मेरा भी वही सवाल था। अखिलेश यादव, आप जिन्ना विरोधी हैं, अखिलेश जी ने जिन्ना की तारीफ करी, कहा कि जिन्ना ने आज़ादी दिलाई, और आप ऐसी पार्टी से अलायंस की बात करते हैं। आप शायद न्यूज़ 18 के कार्यक्रम में भी आए थे, उसमें भी आपने कहा था इमरान भाई कि हाँ अलायंस होना चाहिए, हम अकेले बीजेपी से लड़ना मुश्किल है, आप ऐसी पार्टी से अलायंस करेंगे? नहीं, ये आपका सवाल गलत है। अब सवाल भी आप पूछ लीजिए, शांत रहिए आप। चलिए बोलने तो दीजिए अनुराग भदौरिया उनको, वो सवाल मुझसे पूछे ना, बोलने तो दीजिए उनको, समाजवादी का सवाल मुझसे बोलने तो। हाँ मैं पूछ रहा हूँ, इमरान मसूद आप बोलिए। अरे अब आप जिन्ना को निकाल रहे हैं, जिन्ना और पाकिस्तान इसी के इर्द गिर्द पूरा चुनाव होना है क्या? जिन्ना को गए हुए इतने साल हो गए, अब छोड़िए जिन्ना को, अब बात करिए उत्तर प्रदेश के विकास की, बात करिए उत्तर प्रदेश के अंदर आपने पिछले 5 साल में क्या किया, आगे 5 साल में क्या करेंगे। पिछले 5 साल के अंदर कोरोना से हुई मौतों का हिसाब देने का काम कीजिए कि लाखों लोग कोरोना के अंदर जान गई है और उनको अंतिम संस्कार भी नहीं मिल पाया, उसके ऊपर बात कीजिए। अब डेंगू चल रहा है, डेंगू के अंदर लोगों की जान जा रही है, उसके ऊपर बात कीजिए। अब बात कीजिए आप विकास के ऊपर, के गन्ने का जो भुगतान की बात हमारे भाई बता रहे थे, गन्ने का अभी भी 15,000 करोड़ रुपया भुगतान बचा हुआ है। प्रदेश के गन्ना मंत्री भी और इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इतना भुगतान